गुजरात में हजू चार दिवस भारे अति भारे वरसाद आगाही व्यक्त कर दक्षिण गुजरात में भारे अति भारे वरसाद आगाही है। नवसारी और सूरत में अति भारे वरसाद आगाही व्यक्त कर डांग वलसाड़ तापी में भारे वरसाद आगाही है। बनासकांठा साबरकांठा में भारे वरसाद आगाही है तो पोरबंदर अमरेली जूनागढ़ में वरसाद पड़ सके। द्वारका और गीर सोमनाथ में भारे अति भारे वरसाद आगाही है। साइक्लोनिक सर्क्युलेशन कारण पड़े वरसाद। अमदावाद गांधीनगर में रहेशे वादळछायु वातावरण। हवे बात करिए क्यारे अने क्या वरसाद नी आगाही छे तो 4 जुलाई नवसारी वलसाड दमण पोरबंदर जूनागढ़ द्वारका में भारे वरसाद नी आगाही व्यक्त करवामां आवी छे। 4 जुलाई क्या क्या वरसाद पड़शे तमाम शहरों पोरबंदर जूनागढ़ द्वारका तो 5 जुलाई भरूच सूरत नवसारी वलसाड दमण पोरबंदर द्वारका जूनागढ़ साथ गीर सोमनाथ दीव में भारे वरसाद की आगाही हवामान विभाग द्वारा व्यक्त करवामां आवी छे। हवे 6 जुलाई की बात करवामां आवे तो 6 जुलाई वडोदरा सूरत नवसारी वलसाड दमण खेड़ा आणंद पंचमहाल छोटाउदेपुर नर्मदा भरूच डांग तापी अमरेली भावनगर गीर सोमनाथ और दीव में भारे वरसाद की शक्यता छे। हवामान विभाग द्वारा जे आगाही करवामां आवी छे 7 जुलाई नवसारी वलसाड दमण पंचमहाल दाहोद छोटाउदेपुर सूरत तापी सुरेन्द्रनगर अमरेली राजकोट भावनगर गीर सोमनाथ में भारे वरसाद की शक्यता छे। तो क्यारे क्या केवो वरसाद पड़शे हवामान विभाग द्वारा शुं आगाही करवामां आवी छे अत्यारे वातावरण केवुं छे आ तमाम मुद्दे सहयोगी जूही पासे सीधा जईए तमाम माहिती मेळवे। जी जूही, राज्य में वरसादी माहौल छे अने तेने लईने अलग अलग एवा जिल्लाओ के ज्या आवनारा समय में वरसाद वरसी शके छे तो 7 થી 8 जुलाई सुधी में क्या क्या एवा जिल्लाओ छे के ज्या वरसाद वरसी शके छे विंडीना माध्यम थी समझवानो प्रयत्न करिए। सौथी पहला तो बात करिए 3 जुलाई के 3 जुलाई में धीरे धीरे साइक्लॉनिक सर्क्युलेशन ना कारणे गुजरात नो जे दक्षिण गुजरात ने सौराष्ट्रना जे विस्तारों छे के ज्या वरसाद वरसी शके छे अने आ साथे 4 जुलाई के जेमा भावनगर पोरबंदर जूनागढ़ वेरावल सूरत भरूच वडोदरा सुरेन्द्रनगर तमाम एवा विस्तारों के ज्या वरसाद वरसी शके छे 4 જુલાઈ में 5 જુલાઈ की बात करिए तो हवामान विभागे पर जे आगाही करी छे विंडी पर जे रीते दर्शावी रह्युं छे सौथी वधारे प्रभावित थशे दरियाकांठाना जे विस्तारों छे ते जेमां ऊना वेरावल पोरबंदर द्वारका सलाया जामनगर अने त्यारबाद वात करिए सूरत अने वलसाड आ सिवाय मध्य गुजरात में खेड़ा अने अमदावाद में पण 5 થી 6 જુલાઈ सुधी में वरसाद वरसी शके छे। 7 જુલાઈ की बात करिए तो 7 જુલાઈ में वधु केटलाक एवा विस्तारों के जे राजकोट चोटीला सुरेन्द्रनगर खेड़ा मोरबी तमाम जग्याओ पर वरसाद वरसी शके छे अने आ साथे दक्षिण गुजरात ने सौराष्ट्रना घणा एवा जिल्लाओ छे के ज्यां आगामी समय में NDRF नी टीम नी जरूर पड़शे अने तेमने पण तहेनात करी देवामां आवी छे 7 થી 8 જુલાઈ सुधी में तेमने जरूर पड़ी शके छे। धीरे धीरे आज फूकातो पवन छे के जे मध्य भारत तरफ आगळ वधी रह्यो छे गुजरात थईने एटले के 8 જુલાઈ सुधी में जे सौथी वधारे असर दक्षिण गुजरात अने सौराष्ट्र में देखाती हती ते धीरे धीरे असर आगळ जता हिम्मतनगर पालनपुर अने कच्छ तरफ पण देखाशे अने धीरे धीरे आ वरसाद आगळ वधशे एटले कही शकाय के 8 જુલાઈ सुधी में राज्य में सारो एवो वरसाद वरसी शके छे। गांधीनगर अमदावाद सहित जो विस्तारों छे के ज्या सारो वरसाद वरसी शके छे वादळछायु वातावरण रहेशे। शहरी विस्तार छे के ज्या शहरी विस्तार में सौथी वधारे ओछो वरसाद पड़वानी शक्यताओ कहेवामां आवती होय छे परंतु 8 જુલાઈ बाद हवामान विभागे जे आगाही करी छे ते अनुसार मध्य गुजरातना पण जे केटलाक विस्तारों छे के जेमां बनासकांठा साबरकांठा सुरेन्द्रनगर अमदावाद गांधीनगर ते तमाम जग्याओ पर वरसाद वरसी शके छे। सौथी महत्वपूर्ण बात ए छे के ज्यारे उत्तर मध्य गुजरात तरफ आ वातावरण आवशे वरसाद आवशे ते दरमियान में सौराष्ट्र अने दक्षिण गुजरात में अनराधार वरसाद वरसी चूक्यो हशे अने त्यां कोई परिस्थिति खराब न थाय तेने लईने NDRF नी टीम छे के जेने अत्यारथी तहेनात करी देवामां आवी छे। कैमरा पर्सन विजय साथी जूही पटेल अमदावाद।